हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप इंस्टाग्राम से किसी भी पोस्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस को इंस्टाग्राम से कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे उसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं, या फिर आपकी कोई शॉप है तो आप अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज, अपने ब्रांड को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं इंस्टाग्राम के प्रमोशन के द्वारा। या फिर आप कोई वीडियो क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, आप वीडियोस बनाते हैं तो आप अपने टैलेंट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको फॉलो करें, आपको और काम मिले, तो उस वो प्रमोशन आप इंस्टाग्राम से कैसे कर सकते हैं। या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, आप इंस्टाग्राम पर अपना ऐड का जो कैंपेन है वो कैसे रन करा सकते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका अगर इंस्टाग्राम का अकाउंट पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट आप नॉर्मली पर्सनल अकाउंट ही होता है सबके पास, तो उसे आपको सबसे पहले प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो ये अगर आपको सीखना है कि उसे प्रोफेशनल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं अपने इंस्टाग्राम का, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ईजिली उस चीज़ को सीख सकते हैं और अपने पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में बना सकते हैं, और उसके बाद ही हम इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करेंगे। तो चलते हैं अब अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हमें सबसे पहले इंस्टाग्राम की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जाना है, उस पर क्लिक करना है और उसमें अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। मैंने इसमें लॉगिन किया हुआ है, मैंने एक डमी अकाउंट से अपने लॉगिन किया हुआ है। आपको अपने ओरिजिनल अकाउंट, जिससे आप अपने इंस्टाग्राम पे अपने बिजनेस को या अपने किसी भी पोस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, उसमें आपको लॉगिन कर लेना है और उसे एज ए प्रोफेशनल आपको बना लेना है। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे आप जैसे ही नीचे अपनी इस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जो आइकन है आपका नीचे, ठीक है, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एडिट प्रोफाइल, प्रमोशंस और इनसाइट्स, ये तीन ऑप्शंस मिलते हैं। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये तीन ऑप्शंस आपको केवल प्रोफेशनल अकाउंट में ही देखने को मिलेंगे, पर्सनल अकाउंट में ये देखने को नहीं मिलते। तो इसमें मैं आपको अभी, ये मेरी नीचे पोस्ट दिख रही है, ठीक है, मैंने एक ही पोस्ट डाली हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो तरीक़ों से आप प्रमोट कर सकते हैं। पहला तो आप जैसे यहाँ पे आपकी जो भी पोस्ट होंगे, आप जिसको भी करना चाहेंगे, उस पोस्ट के ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देख सकते हैं नीचे इस पिक के प्रमोट का ऑप्शन मिल रहा है राइट में, ठीक है। इस प्रमोट पे क्लिक करके आप आगे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर बैक आ जाएंगे और यहाँ पे जो ये एडिट प्रोफाइल के आगे प्रमोशंस जो सेकंड ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर लिखा आ रहा है प्रमोट टॉप पोस्ट, मतलब जो आपका सबसे ऊपर जो नया पोस्ट होगा वो यहाँ पे आपको टॉप पोस्ट शो होगा कि आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। या फिर आपका नीचे ये सेकंड ऑप्शन है चूज़ ए पोस्ट, तो अगर आप किसी और पोस्ट को करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे चूज़ ए पोस्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके सारे पोस्ट आ जाएंगे। जैसे मेरा एक ही पोस्ट है तो यहाँ पे एक ही पोस्ट दिखा रहा है, और नीचे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन हैं, पोस्ट और स्टोरीज़ का। तो यहाँ पे जैसे हम स्टोरीज़ पे क्लिक करेंगे, तो आपने कोई स्टोरी आपको प्रमोट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप पहले स्टोरी अपने प्रोफाइल में डाल लेंगे वहाँ पर, ठीक है, अपनी एक कोई स्टोरी लगा लेंगे, उसको फिर आप यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। तो पोस्ट और स्टोरी कुछ भी आप यहाँ से प्रमोट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ पे वापस पोस्ट के ऊपर आएंगे, तो जैसे मैं यही वाली पोस्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद ऊपर ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर राइट में, इस पर क्लिक कर देंगे। इस एरो पे जैसे ही क्लिक किया आपने, तो आप देख सकते हैं आपके सामने तीन ऑप्शन आ गए हैं, मोर प्रोफाइल विजिट्स, मोर वेबसाइट विजिट्स, मोर मैसेजेस। इसका मतलब है, मोर प्रोफाइल विजिट्स का जो मतलब है कि आप अपने इंस्टाग्राम पे जो भी चीज़ प्रमोट कर रहे हैं तो उससे जो आपकी भी जो भी ऑडियंस उसे देखेगी तो वो कहाँ पे विजिट आएगी, मतलब उस पर क्लिक करेगी अगर वो उस पोस्ट पे, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो पोस्ट है वो एज ए ऐड दिखाई देगी, तो वो जब भी कोई उस पर क्लिक करेगा
तो वो इन तीनों ऑप्शंस में से जो आप सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर पहुंच जाएगा। जैसे अगर आप मोर प्रोफाइल विजिट सिलेक्ट कर लेंगे तो वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर आप मोर वेबसाइट्स विजिट्स करेंगे तो वेबसाइट विजिट अगर मैं जैसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट जो भी है आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे। तो जैसे आप यहाँ पे यूआरएल डालेंगे और ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी आपकी उस साइड पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बैक आ जाते हैं, या फिर आप मोर मैसेजेस पे करना चाहते हैं तो आपको मैसेजेस वाले सेक्शन पे ले जाएगा वो। उसके बाद मैं इनमें से मोर प्रोफाइल विजिट्स इसके ऊपर क्लिक करता हूँ कि कोई जो भी मेरी प्रमोशन वाली जो मेरी ऐड है जो मैं प्रमोट कर रहा हूँ उस ऐड पे जब भी कोई देखेगा उसे अच्छी लगेगी तो उस पे जैसे ही वो क्लिक करेगा तो उसे यहाँ पे मेरी प्रोफाइल पे भेज देगा डायरेक्ट। उसके बाद ऊपर जो एरो है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब सेकंड इसमें ऑप्शन है सेलेक्ट टारगेट ऑडियंस, मतलब आपको अपने पोस्ट के लिए एक सही ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन है स्पेशल ऐड कैटेगरी। तो इसमें क्या है कि अगर आपका कोई सोशल उससे रिलेटेड पोस्ट है, इलेक्शंस पॉलिटिक्स इससे रिलेटेड है, तो आप इस वाले को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पे डन करेंगे तो ये हो जाएगी। दूसरा इसमें ऑप्शन है ऑटोमेटिक, मतलब इंस्टाग्राम टारगेट पीपल सिमिलर टू योर फॉलोअर्स, मतलब आपके जो जो फॉलोअर्स हैं उसके अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक आपको ऑडियंस सेलेक्ट करके दे देता है। पर हम चाहते हैं कि हम खुद बनाएं अपनी ऑडियंस को, तो हम खुद टारगेट करें अपनी ऑडियंस को, तो यहाँ पे क्रिएट योर ऑन थर्ड जो ऑप्शन है मैन्युअली एंटर योर टारगेटिंग ऑप्शंस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें सबसे ऊपर ऑडियंस नेम मांग रहा है, तो हम इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी अपना एक ऑडियंस नेम दे सकते हैं अपने इसको। तो यहाँ पे मैं जैसे लिख देता हूँ सोशल, बस सोशल लिख के छोड़ सकते हैं आप, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप यहाँ पे, बस जस्ट नेम दे देंगे हम अपनी ऑडियंस को एक। यहाँ पे आप लोकेशंस है सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी लोकेशन डाल सकते हैं जहाँ पे आप अपनी ऐड को रन करवाना चाहते हैं या अपने जो भी आपकी पोस्ट है उसको प्रमोट करना चाहते हैं जिस भी कंट्री में, यहाँ से आप लोकेशन डाल सकते हैं। जैसे मेरा हिंदी का पोस्ट है या इंग्लिश का है तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा, तो इंडिया कंट्री आ गई, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट हो गया। अब ऐसे आप किसी भी कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लोकल भी है, अगर आप लोकल किसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे रेडियस देख सकते हैं आप करंट लोकेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऑन करेंगे से तो आपकी करंट लोकेशन बता देगा, या एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं आप। एक प्रॉपर वे में आप किसी को टारगेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे है सारी चीज़ें। रेडियस है यहाँ पे 5 किलोमीटर तक के एरिया में करना चाहते हैं तो ये किसी भी तरीके से आप 30 किलोमीटर तक के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शो दे रखा है। रीजनल किया है मैंने, इंडिया ले लिया तो ऊपर देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा पीपल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, टू ब्रॉड दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको डन वाला एक ऑप्शन, चेक वाला, टिक वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर राइट कॉर्नर में, इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो हमारी लोकेशन सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट आता है थर्ड ऑप्शन, तो इस इंटरेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप कुछ भी अपने इंटरेस्ट, जो आपकी ऑडियंस जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम की जो भी है, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे आप फेसबुक भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप भी है, यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, जो भी आप ऐड करना चाहें। उसके बाद आप यहाँ पे टिक पे क्लिक कर दें। इस तरीके से इंटरेस्ट हो गया, ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट। अब चौथा ऑप्शन जो है वो है इसमें एज और जेंडर, मतलब आप एक स्पेसिफिक एज और जेंडर वाले पीपल्स को टारगेट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं 13 साल की उम्र से लेके 65 साल की उम्र तक के लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। मतलब आप 13 से 65 तक के जितने भी लोग हैं, लड़के हों या लड़की, उनको आप यहाँ पे अपनी पोस्ट उन तक पहुँचा सकते हैं। मेल हो या फीमेल, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मेल को दिखाना चाहते हैं तो फीमेल वाले को अनटिक कर दीजिए, और अगर आप दोनों को दिखाना चाहते हैं तो दोनों को रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। अगर आप एज अगर कम लोगों को दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जैसे 30 तक कर दीजिए, डन कर दो उसके बाद, ठीक है। तो ये हमारे चारों ऑप्शन फिल हो गए। उसके बाद ऊपर जो टिक दिया हुआ है राइट में, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। हमारी ऑडियंस सेलेक्ट हो गई है, सोशल हमने नाम दिया था, ठीक है, मैन एंड वुमेन, एज 13 से 30, इंडिया। इसके बाद अब ऊपर यहाँ पे जो एरो है
इस वाले एरो पे एक बार और क्लिक कर देना है, जो ये एरो दे रखा है ऊपर, इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब हमसे बजट एंड ड्यूरेशन ये आ गया है आपके सामने कि आप कितना बजट इसमें लगाना चाहते हैं, कितने दिन तक लगाना चाहते हैं। जैसे मैं एक दिन का लगाऊं तो एक दिन के यहाँ पे मैं 80 रुपये, सबसे लो बजट है, तो एक दिन में 80 रुपये मेरे खर्च होंगे और 1300 से 3500 पीपल तक ही जाएगा। काफ़ी अच्छी रीच है, जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से, जितने ज़्यादा डेज करेंगे उस हिसाब से आपका एस्टीमेशन ये जाएगा। जैसे 200 300 जितना आप लगाना चाहें वो यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक डे का सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे अभी, ठीक है। उसके बाद आपको अगले वाले एरो पे जो ऊपर दे रखा है उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें आता है प्रीव्यू प्रमोशन। आप अपने प्रमोशन का प्रीव्यू देख सकते हैं कि ये लोगों को कैसे दिखाई देगी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं तीनों जगह में ये कैसे कैसे दिखाई देगी। जैसे मैं फीड पे क्लिक करूँ सबसे पहले तो फीड पे ये ऐसे दिखाई देगी, स्टोरीज़ में क्लिक करूँ तो स्टोरीज़ में ऐसी दिखाई देगी स्टोरीज़ के अंदर ये। इसके बाद बैक कर लेंगे एक्सप्लोरर में, एक्सप्लोर करेंगे तो इसके अंदर ऐसे दिखाई देगी। इस तरीके से ये आपके प्रीव्यू हो गया। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब नीचे है गोल हमारी, जो हमने सेलेक्ट किया था मोर प्रोफाइल विजिट ही रहे, ऑडियंस हमने सेलेक्ट कर ली थी, बजट है एक दिन का 80 रुपये, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे पेमेंट मेथड है तो ऐड ए न्यू पेमेंट मेथड, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप जिस भी तरीके से चाहें, यहाँ डेबिट कार्ड हो, UPI, पेटीएम, नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। उसको आप सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करके पेमेंट कर देंगे उसकी। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, जो भी पेमेंट लिखी हुई है यहाँ पे आपके पैसे दिखने लग जाएंगे आपको, ठीक है। ये रेड वाला जो आइकन आ रहा है ये हट जाएगा जैसे आप इसमें पेमेंट ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी समरी भी दिखा रहा है कि आपने 80 रुपये का बजट लिया है, 14 रुपये उस पर टैक्स लगेगा, तो टोटल 94 रुपये आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट प्रमोशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेंडिंग में चला जाएगा, मतलब अप्रूवल के लिए चला जाएगा ये इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो जो भी आप ये प्रमोशन पे जैसे ही क्लिक करके इसे अप्रूवल में भेजेंगे तो वो ये 12 से 24 घंटे के अंदर का टाइम लेता है और उसके बाद ये अप्रूव हो जाता है। तो आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पोस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा, इंस्टाग्राम गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पोस्ट होगा अगर आपका, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो ईज़िली प्रमोट हो जाएगा 24 घंटे तक, ठीक है, 12 से 24 घंटे के बीच में। तो इसलिए आप अपनी किसी भी पोस्ट को इंस्टाग्राम से प्रमोट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, मैंने सारी चीज़ें डिटेल में आपको समझाई हैं कि आपको इंस्टाग्राम पे कैसे अपनी पोस्ट को प्रमोट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा आप लोगों को। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।